कल्याण के आधरवाड़ी चौक परिसर में पिछले 54 वर्ष से बंगाली समाज द्वारा दुर्गा माता की पूजा की जाती है। कोरोना के चलते इस उत्सव में अधिक लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं। 10 दिवसीय इस आयोजन में क्या विशेष है, बता रहे हैं संस्था के सचिव सोमनाथ बैनर्जी। हमारा जो बंगाली ट्रेडिशन है, बंगाली जो प्रोसीजर है में दुर्गा पूजा हम लोग षष्ठी शाम से चालू करते हैं। हमारा ये मानना है क्या माता दुर्गा उनका पूरा परिवार के साथ षष्ठी का दिन 4 दिन के लिए मायके आते हैं, कैलाश से मर्त में उनका आगमन होता है। षष्ठी का दिन शाम को वो पहुँचती है, उसके बाद हम उनको आमंत्रण अधिवास बोधन करते हैं, उसके बाद सप्तमी सवेरे से माँ का पूजा चालू होता है। सप्तमी पूजा होने के बाद अष्टमी का दिन हमारा मेन पूजा रहता है। अष्टमी का जो अष्टमी छोड़ के जो नवमी चालू होता है वो पीरियड का जो 43 मिनट्स है वो हम लोग संधि पूजा बोलते हैं, वो सबसे क्रूशियल है। उस पीरियड में हम लोग मानते हैं कि माता जी ने महिषासुर को वध किया था। लड़ाई करने के बाद ये ड्यूरेशन पूजा का होता है 43 मिनट्स। उसके बीच में बीच का आफ्टर 23-24 मिनट्स के बाद एक पर्टिकुलर मोमेंट आता है जिस टाइम माता ने महिषासुर को त्रिशूल से वध किया था, ये हम लोग मानता है। वो मेन होने के बाद माँ का पूजा होने के बाद उसके बाद चालू होता है नवमी का पूजा। दूसरा दिन तीसरा थर्ड डे नवमी पूजा होने के बाद दशमी को माँ को मॉर्निंग में हम लोग उनका मंदिर जिधर स्थापना किया है उधर उसको प्रतिमा को उधर ही दर्पण में दर्पण विसर्जन बोलता है, उसको उधर ही ऐसे ही हम लोग विसर्जन करता है। घट जो स्थापना हुआ है को करते करने के वो घट को हिला देता है, सिंबॉलिक विसर्जन हो जाता है। शाम को हमको लेके माँ को कोई नदी इसमें वो मूर्ति को हम लोग विसर्जन करते हैं। उसके बाद लेडीज़ लोग अपने आप वो सिंदूर लेके एक जस्ट मिनी होली जैसे सिंदूर उत्सव बोलते हैं उसको, उसमें बहुत ये करता है। लेकिन कोविड सिचुएशन के लिए हम लोग इस बार स्ट्रिक्टली वो मना किया क्योंकि वो फिजिकल कांटेक्ट ज़्यादा होने का चांसेस होता ही है, इसलिए हम लोग वो फिर सिंदूर उत्सव इस बार बंद रखा है। बाकी मेन जो बंगाली का पूजा होता है किधर भी आप जाइए 3 दिन भोग रहता है, भोग खिचड़ी भोग रहता है। इस बार हम लोग इधर तो हम लोग रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए हम लोग क्या किया वो भोग जो अपना डिवोटीज है सबके घर पे पहुंचाने का इंतजाम किया। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।